हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स स्टैंडर्ड 7th, इस बुक का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो नाउन्स क्या होते हैं बच्चों? नाउन्स होते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, यानी कि वो किसी भी चीज का क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है बच्चों? नाम होता है। तो नाउन्स, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है ये? नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम है। इट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इसके हम कैसे यूज करते हैं? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, या फिर क्वालिटी, मटेरियल, ग्रुप, आइडिया, फीलिंग एटसेट्रा। अब जो नाउन्स है वो कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के नाउन्स होते हैं। तो फर्स्ट हमको नाउन दिया है कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन। तो जो कॉमन नाउन होता है वो बच्चों क्या होता है? ये जो पर्टिकुलर नेम देते हैं किसी ग्रुप को, किसी भी चीजों को, मतलब ये जनरल नाम है। जैसे मैंने बोला एनिमल्स, तो एनिमल्स में आपके सारे एनिमल्स आ जाएंगे। तो एनिमल्स का ही कॉमन नाम है जो जनरल नाम दिया गया है। हम अगर बोले ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग एक जनरल नाम है कि ये ह्यूमन बींग्स है। अगर हम कहें रिवर्स, तो रिवर्स क्या है? रिवर्स भी एक जनरल नाम है। कंट्री जनरल नाम है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर थिंग का नाम नहीं है, कॉमन नाम है। तो एक ग्रुप को जो कॉमन नाम दिया जाता है, जो जनरल नाम दिया जाता है, वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने हमको यहाँ पर दिए। द ग्रेसफुल स्वैन ग्लाइडेड ऑन द लेक। अब स्वैन, ये पूरे जो स्वैन है उनके लिए एक जनरल नाम है कि ये क्या है? स्वैन है। जो लेक है वो भी क्या है? एक पर्टिकुलर लेक के नाम नहीं दिया है, ये पूरा जो जनरल नाम दिया है कि ये लेक है। ऑल द पैसेंजर्स ऑन द शिप आर सेफ। पैसेंजर्स यानी जो यात्री है, जो ट्रेवलर्स है, वो क्या है? सेफ है। कौन से? शिप पे। तो जो भी नाम दिया है शिप का और ये पैसेंजर्स का, वो किसी भी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। ये नाम क्या है? कॉमन नाम है, जनरल नेम है। थर्ड हमको एग्जांपल दिया है, द गर्ल वॉज सिटिंग बिहाइंड द ट्री इन द गार्डन। गर्ल जनरल नाम है, कोई पर्टिकुलर गर्ल का नाम नहीं बताया है हमको। और ट्री, ट्री कैन बी ऑफ एनी काइंड, कोई भी ट्री हो सकता है। गार्डन, इट कैन बी एनी गार्डन, कोई भी गार्डन हो सकता है। जनरल नेम दिए हैं, तो ये होते हैं हमारे कॉमन नाउन। अब बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज को, पर्टिकुलर पर्सन का, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, एनिमल का या थिंग का जो नाम होता है वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। अभी मैंने आपको बताया कॉमन नाउन में जो गर्ल है, गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। अगर गर्ल के बदले मैं बोलूं सीता, तो सीता क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। सीता तो पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो जो सीता है वो क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? अब माउंटेन्स, तो माउंटेन, इट कैन बी एनी माउंटेन, तो माउंटेन हुआ हमारा कॉमन नाउन। अगर मैंने कहा हिमालय, तो हिमालय क्या है? पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है, तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलती हूँ कंट्रीज, तो कंट्रीज क्या है? कॉमन नाउन। अगर मैं कहूँ इंडिया, तो इंडिया क्या है? नेम, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री, दैट इज आर कंट्री, तो ये प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर।
और जो ये प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वेदर इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस या फिर मिडल में आता है चाहे लास्ट में आता है, बट अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। सम प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड टू और मोर वर्ड्स, और कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जो दो वर्ड्स के होते हैं या दो से ज्यादा वर्ड्स के हो सकते हैं। आई सॉ द बे ऑफ बंगाल इन द डिस्टेंस एज आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स मरीना बीच। बे ऑफ बंगाल, पर्टिकुलर बे का नाम दिया है, इट्स अ बे ऑफ बंगाल, तो क्या है प्रॉपर नाउन? मरीना बीच, तो बीच का नाम दिया है, कौन सा बीच? पर्टिकुलर बीच का नाम दिया है मरीना बीच, तो क्या है ये प्रॉपर नाउन। मिस्टर अजिंक्य नायर गेव एन इम्प्रेसिव स्पीच इन पुणे यस्टरडे। तो मिस्टर अजिंक्य नायर इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो प्रॉपर नाउन पुणे, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। दिस ईयर दिवाली विल बी एट द एंड ऑफ अक्टूबर, तो दिवाली क्या है? पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम दिया है दिवाली, तो वो क्या है प्रॉपर। अगर फेस्टिवल होता तो वो हो जाता कॉमन। अब यहाँ पे अक्टूबर, अक्टूबर भी क्या है पर्टिकुलर मंथ का नाम दिया है, अगर हम मंथ बोलते तो हमारा होता कॉमन, अगर हमने पर्टिकुलर मंथ का नाम दिया है अक्टूबर तो वो क्या है प्रॉपर नाउन। शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, शाहजहां नेम ऑफ अ पर्टिकुलर एम्परर, ताजमहल पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, तो क्या है प्रॉपर नाउन। अभी आपने यहाँ पे एक चीज और भी नोटिस की होगी, जो यहाँ पे लिखा है कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो देखो बे, मरीना, पुणे, अक्टूबर, ताजमहल, शाहजहां, दिवाली, अजिंक्य नायर, सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ विल मूव टू कॉन्क्रीट नाउन्स एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन जो होती है जिसको हम, वो टेंजिबल चीजें होती है, जैसे कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। अगर मैंने बोला ये पेन, ये पेन को मैं देख सकती हूँ, यस आई कैन टच इट, यस, तो ये मेरा क्या है कॉन्क्रीट नाउन। ओके, एग्जाम्पल्स, द एंग्री फार्मर चेज्ड द वुल्फ अवे। फार्मर, यस वी कैन सी, वी कैन टच, वुल्फ वी कैन सी एंड टच। द रिवर फ्लोट बिहाइंड द स्कूल, स्कूल को भी क्या टेंजिबल है, रिवर भी टेंजिबल है। द लिटिल चाइल्ड टच्ड द ग्रीन लीफ जेंटली। चाइल्ड टेंजिबल है, यस वी कैन सी, वी कैन टच। लीफ इज ऑल्सो टेंजिबल, कैन वी सी इट, यस वी कैन टच इट। तो ये हमारे क्या होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, इसका मतलब हम उसको रियल में टच नहीं कर सकते, हम उनको टच देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील इट, हम क्या कर सकते हैं उनको खाली फील कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला ब्रेव, तो ब्रेव क्या है, क्या हम ब्रेव को टच कर सकते हैं? नहीं। कैन वी सी? नो। तो क्या है वो? एक फीलिंग है, वो क्या होते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनटेंजिबल। सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू एन आइडिया, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट एटसेट्रा दैट यू कैन नॉट एक्चुअली टच और सी। फॉर एग्जाम्पल्स, पीपल वर अमेज्ड एट द विजडम ऑफ द ओल्ड मैन। क्या विजडम दिखाई देती है? टच कर सकते हो। लाफ्टर कैन डिराइव अवे अनहैप्पीनेस। क्या ही दोनों को टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। चाइल्डहुड इज मेंट फॉर हैविंग फन एंड एंजॉयमेंट। ओके, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल, द थ्री ब्रदर्स हैड मैनी एक्सपेंसिव टॉयज। ब्रदर्स को हम काउंट कर सकते हैं, टॉयज को भी हम काउंट कर सकते हैं। देयर वर अ फ्यू बिल्डिंग्स
इन द टू स्मॉल विलेजेस, विलेजेस भी काउंटेबल है, बिल्डिंग्स भी काउंट कर सकते हैं. वॉचेस दैट वर कैप्ट ऑन द राउंड टेबल्स वर स्टोलन, तो वॉचेस यस और टेबल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं. नो अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. व्हाई डिड यू स्पिल द मिल्क यू नॉटी बॉय, मिल्क को आप काउंट कर सकते हो, एक मिल्क दो मिल्क, नो. द ग्रास वॉज ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, ग्रास को आप काउंट कर सकते हो, नो. वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिकॉज द स्काई वॉज ब्लू एंड नॉट क्लाउडी, फन काउंट कर सकते हैं, नहीं. स्काई को आप काउंट कर सकते हो, किधर है स्काई, नहीं. तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ कलेक्टिव नाउन्स, इट्स अ कलेक्शन, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वो होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टूगेदर एज अ होल. द गैगल ऑफ गीज कैकल्ड नॉइजीली, द ब्राइड ओपन द एल्बम टू लुक एट हर फोटोग्राफ्स, द एंशियस गर्ल लुकड एट द लिस्ट ऑफ नेम्स केयरफुली. अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो चीजें हैं वो सब क्या है, कलेक्शन है, ग्रुप है. लिस्ट है तो कोई एक का नाम नहीं होगा, एल्बम है तो फोटो एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी, और गैगल है तो वहां पे एक गीज नहीं होगा, बहुत सारी होंगे. तो ये हमारे क्या है, कलेक्शन. तो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. अब हमको यहाँ पर उन्होंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं या आप पढ़ लेना एक बार. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ क्लस्टर गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, a fleet of ships, a herd of cattle, a library of books, a pack of cards, a pile of books, a pride of lions, a band of robbers, a pack of wolves, a gaggle of geese, an album of photographs, a brood of chickens, a bunch of grapes, a bunch of keys, a crowd of people, a swarm of bees, a litter of puppies, a bouquet of flowers, a shoal of fish, a panel of judges, a set of tools, a stack of hay. These are the some examples they have given us. Now we'll move to exercise. अगर exercise का PDF चाहिए तो आप उसका download कर सकते हैं, description box में आपको उसका link मिल जाएगा. तो first one is pick out the proper and common nouns from the following sentences and write them correctly in the columns given below. अब हमको यहाँ पे sentences दिए हैं, उसमें से हमें common noun और proper noun find out करके यहाँ पे अलग columns में लिखने हैं. तो first one has been done as an example. I am calling from New Vision High School. तो New Vision High School ये proper noun है तो यहाँ पर दिया है. How was the first day of school? Mrs. Sen asked Rima. तो डे कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, तो डे दिया है. अब यहाँ पर कौन से नाउन है, मिसिस सेन एंड रीमा. अब आप बताओ ये दोनों कौन से नाउन है, मिसिस सेन और रीमा, ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन. और सेकेंडली है, देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन से. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिसिस सेन रीमा. देन नेक्स्ट इज व्हेन द ट्रेवलर्स रीच्ड द फॉरेस्ट दे वर टायर्ड एंड हंग्री. तो क्या है यहाँ पर, ट्रेवलर्स रीच्ड द फॉरेस्ट, और कोई है नहीं. तो ट्रेवलर्स और फॉरेस्ट ये दोनों हमारे कौन से नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है. तो यहाँ पे आएगा ट्रेवलर्स, देन फॉरेस्ट,
नेक्स्ट, सॉक्रेट्स वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड. कौन कौन से है इसमें? सॉक्रेट्स, मैन, वर्ल्ड. तो सॉक्रेट क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन. तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन. वाइजेस्ट मैन, अब मैन तो कोई भी हो सकता है, कॉमन है. वर्ल्ड, वर्ल्ड भी कॉमन है. नेक्स्ट इज अक्रॉस द एटलांटिक ओशियन एडिसन हैड प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट लाइट बल्ब. तो कौन कौन से हैं इसके अंदर? एटलांटिक ओशियन, एडिसन एंड बल्ब. तो एटलांटिक ओशियन क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ओशियन. एडिसन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. और बल्ब है, जनरल में बल्ब है. तो बल्ब हमारा कहाँ आएगा? कॉमन नाउन. और सॉक्रेट्स, सॉरी, एटलांटिक ओशियन एंड एडिसन आएगा प्रॉपर नाउन. एटलांटिक ओशियन एंड एडिसन. देन नेक्स्ट इज फैराडे अटेंडेड अ लेक्चर गिवन बाय हम्फ्री डेवी एट द रॉयल इंस्टीट्यूशन इन लंडन. सो फैराडे, हम्फ्री डेवी, रॉयल इंस्टीट्यूशन एंड लंडन. अब देखोगे ये सब क्या है? पर्टिकुलर नेम है. फैराडे भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो क्या है ये? प्रॉपर नाउन. हम्फ्री डेवी पर्टिकुलर पर्सन. रॉयल इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम दिया है. देन लंदन पर्टिकुलर प्लेस. तो ये भी हमारा क्या आएगा? प्रॉपर नाउन. आई होप इट्स क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम करेक्टली इन द कॉलम्स गिवन बिलो. अब ऊपर हमको दिया था प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, अब नीचे हमको दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. तो इन दोनों को हमको फाइंड आउट करके लिखना है. तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? आपको बताया मैंने, जो फीलिंग्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं. और कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जो कि जिसे हम देख सकते हैं और हम टच कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन, द लायन वॉन्टेड दियर ओपिनियन. तो लायन हमारा क्या है? कॉन्क्रीट नाउन्स. यू कैन टच लायन, यू कैन सी लायन, तो इट्स अ कॉन्क्रीट ओपिनियन. अब आप ओपिनियन को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं देख कर सकते. तो ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन नेक्स्ट इज देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस व्हेन मालती सैंग. साइलेंस एंड मालती. मालती तो क्या है? टेंजिबल है, कॉन्क्रीट है. तो मालती कहाँ आएगा? कॉन्क्रीट में. साइलेंस, अब साइलेंस को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं, तो वो क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट. द नेक्स्ट इज अ ग्रेट पीस एंड हैप्पीनेस सीम्ड टू फिल द रूम. तो कौन कौन से नाउन है? रूम, हैप्पीनेस, पीस. तो पीस एंड हैप्पीनेस क्या है? हम इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ फिल कर सकते हैं. तो ये हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और रूम क्या है बच्चों? रूम कॉन्क्रीट नाउन. आप रूम को देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो. सेजर डिड नॉट शो एनी इंक्लिनेशन टू जॉइन द अदर क्रोज. सेजर, इंक्लिनेशन एंड क्रोज. तो यहां आएगा कॉन्क्रीट नाउन.
इंक्लिनेशन, क्रोज. Devi needed an assistant with an excellent memory. Devi So Devi क्या है हमारा? कॉन्क्रीट. और मेमोरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर एंड क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज. तो बुक्स, स्टोर, नॉलेज, थर्स्ट. सो बुक्स एंड स्टोर कॉन्क्रीट, थर्स्ट एंड नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट. Now next one, underline the countable nouns and circle the uncountable nouns in the following sentences. जो countable है जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या करना है? Underline करना है. और जो uncountable है यानी कि जिसको हम count नहीं कर सकते उसको हमको क्या करना है? Circle करना है. तो first one has been done as an example. The animal got up a little speed and kept its distance. Animal countable है, speed को हम count नहीं कर सकते, distance को भी हम count नहीं कर सकते. So next one is, I will warm some milk for the baby. तो milk हमारा क्या है? Uncountable noun. तो सर्कल, बेबी इज काउंटेबल तो अंडर लाइन. कम इन एंड हैव सम हॉट कॉफी टू कीप आउट द कोल्ड. सो कॉफी अनकाउंटेबल, कोल्ड अनकाउंटेबल. हीज ओल्ड क्लोथ्स स्टीम्ड जेंटली इन द हीट ऑफ द स्टोव. तो क्लोथ्स काउंटेबल, स्टोव काउंटेबल. शी मेड द बेस्ट टी एंड हैड द बेस्ट कुकीज. सो टी अनकाउंटेबल, कुकीज काउंटेबल. हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू. तो एयर अनकाउंटेबल, वल्चर काउंटेबल. अवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर सेड द फॉक्स. सो किंग काउंटेबल, लायन काउंटेबल, मास्टर काउंटेबल एंड फॉक्स काउंटेबल. देन नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स बिलो. द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट. देन अ डैश ऑफ बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. तो यहां पर क्या आएगा? लाइब्रेरी. अ डैश ऑफ रॉबर्स, अ बैंड ऑफ रॉबर्स. अ डैश ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स. अ डैश ऑफ गीज, अ गैगल ऑफ गीज. एंड डैश ऑफ फोटोग्राफ, an album of photograph. A dash of grapes, a bunch of grapes. A dash of stars, a galaxy of stars.
अ डैश ऑफ शेप्स, फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शेप्स, अ डैश ऑफ चिकन्स, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो फिनिश कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया या थोड़ा भी यूजफुल हुआ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो भी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 4 नाउंस नंबर के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।